Good morning, my dear students. This is Abhishek, and we are studying sorting of materials into groups. So I have told you about what is sorting of material and what are matters. Okay, what are matters? Now I'll discuss how matters form. So what are the basis of formation of a matter? So first of all, I would like to tell you about atom. Atom. What do you mean by atom? And what do you mean by element? Element. And what do you mean by molecule? इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो atom क्या होता है? Atom is the smallest individual particle of a matter. किसी भी matter का, मान लो ये glass है. मान लो ये क्या है? Glass है. इसको आप सबसे छोटे हिस्से में तोड़ दो, उसको फिर से आप दोबारा तोड़ नहीं सकते. इतना छोटा हिस्सा, वही छोटा वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है. ठीक है, समझ रहे हो क्या एटम का डेफिनेशन है? एटम का डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल particle of matter. ठीक है, जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. गॉट इट, समझ रहे हो? अब देखो एक बात और, जो एटम है ये कहाँ से इसका नाम लिया गया है? एटम इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेम एटमॉस. एटमॉस का मतलब होता है ग्रीक में एटमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिसे तोड़ा ना जा सकता हो, इनडिविजिबल. तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैटर का जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं. और एटम क्या करता है? एटम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एटम जो होता है ये वही पार्टिकल होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. एटम्स आर द वन विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. जैसे कि आप बहुत सारा केमिकल रिएक्शन देखते हो ना, आप मान लो कि तेजाब में पानी डालते हो, H2SO4 एक तेजाब है, आप उसमें पानी डाल देते हो, H2O वाटर डाल देते हो, तो क्या होता है? बहुत तेज़ ब्लास्ट होती है, आग लग जाती है उसमें. तो इसमें वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, बहुत ही तगड़ा वाला केमिकल रिएक्शन होता है. तो इसमें कौन पार्ट लेता है इस केमिकल रिएक्शन में? इसमें एटम्स पार्ट लेते हैं. ये जो पार्टिकुलर क्या है, केमिकल्स हैं, इनके जो एटम्स पार्ट लेते हैं. जैसे कि H2O, एक और एग्जांपल देख लो, H2O है, ये एक केमिकल है. मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ एक सॉल्यूशन है जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं. तो इस ये जब कंबाइंड हुए होंगे, हाइड्रोजन तो एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, जब ये कंबाइंड हुए होंगे तो कैसे कंबाइंड हुए होंगे? हाइड्रोजन का जो स्मॉलेस्ट एटम होगा, हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना होगा ये H2O. ठीक है, समझ रहे हो? तो कौन इस रिएक्शन में पार्ट लेता है? कौन लेता है? एटम्स. तो हम कहेंगे कि मैटर का जो एटम होता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. ठीक है, समझ गए एटम्स? ओके, अब देखो एलिमेंट क्या होते हैं. एलिमेंट नेक्स्ट है. एलिमेंट वो होते हैं जो सेम एटम से बने होते हैं ना, उन्हें एलिमेंट बोला जाता है. सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी मैटर को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, सेम एटम से बने हुए मैटर को एलिमेंट बोलते हैं. जैसे कि मान लो ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के ही एक और एटम से मिलके बना हुआ है O2. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है. हमारे पास मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो एलिमेंट की संख्या कितनी है? टोटल एलिमेंट की संख्या है 118. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 118. ठीक है, और इसमें से नेचुरली जो मिले हैं एलिमेंट हमें, नेचुरल एलिमेंट कितने हैं? ऑलमोस्ट 94 एलिमेंट्स हैं जो हमें नेचुरली हासिल हुए हैं. ठीक है, अब देखो एलिमेंट को हम
एलिमेंट को हम उनके नाम के पहले या दूसरे वर्ड से सिंबॉलिकली उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नाम के पहले या दूसरे वर्ड से। ठीक है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है, HYDROZN, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है, ये एक एलिमेंट है। व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ एलिमेंट। तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एच लिखते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीजन, तो उसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, ओ। इन द सेम वे फेरस, 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 फेरस को आयरन बोला जाता है। ठीक है, आयरन मतलब लोहा, और ये एक मेटल है, मतलब एलिमेंट है। हम पढ़ेंगे एलिमेंट भी मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आयरन को हम कैसे डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, Fe से। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको उनके सिंबॉलिक नेम से डिनोट किया जाता है। उसी तरीके से पोटेशियम, कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम जो होता है वो बहुत ही अलग होता है, उनका सिंबल बिल्कुल अलग होता है। पोटेशियम, पोटेशियम, ओके, पोटेशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो देखो इसमें कहीं पे भी के नहीं है, लेकिन पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, के से, ये इसका सिंबल है। जहाँ पे भी के लिखा रहेगा आप समझ लो कि पोटेशियम है। ठीक है, उसी तरह से सोडियम, देखो सोडियम जो हमारे साबुन वगैरह में इस एलिमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, नमक में होता है सोडियम, तो सोडियम SODIUM है लिखा हुआ है सोडियम, बट इसको सिंबॉलिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, Na, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा वाला N और छोटा वाला A से हमको मिल जाता है क्या, सोडियम। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम अलग होता है, उनका सिंबल बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आप ऊपर के क्लास में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना जान लो। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर है, कॉपर, कॉपर इज ऑल्सो एन एलिमेंट। ठीक है, लेकिन इसको Cu से ही हम डिनोट करते हैं। इन द सेम वे जिंक, जिंक इज ऑल्सो एन एलिमेंट, इसको Zn से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम, उसको Mg से डिनोट करते हैं। ओके, कैल्शियम है, उसको Ca से डिनोट करते हैं। क्लोरीन है, उसे Cl से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ऑल दे आर एलिमेंट। और ये किसके, किससे बने हुए हैं, ये अपने सेम एटम से बने हुए हैं, सेम एटम से बने हुए हैं। अब देखो एटम में भी उसके सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं, ये एक बात मैं आपको पढ़ा दूं। एटम, एटम जो होते हैं ये भी बने होते हैं तीन चीज़ों से, किससे, उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्ट। देखो क्या होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, बस इतना याद रखना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन तीन चीज़ों को मिला, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिलाकर क्या बनता है, एटम बनता है। ठीक है, एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये बनता किन, किससे है, इसमें कौन कौन होते हैं, तो किसी भी एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन जितनी होगी, जितने नंबर में प्रोटॉन होगा किसी एटम में, उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन भी होगा। मान लो अगर किसी, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8 ही होगी। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी क्या होती है, कभी भी लेस या मोर नहीं होगी, इक्वल होगी। न्यूट्रॉन जो होगा वो वैरी करेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होगा वो वैरी करेगा। इन्हीं के वेट को जोड़ के, इन्हीं के वेट को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, एटम का वेट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर के एटम में भी वेट होता है, इसी वजह से किसी भी मैटर में वेट होता है। समझ गए, वेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो एलिमेंट हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको जोड़ दिया जाता है। जितने भी, जैसे प्रोटॉन ऑक्सीजन में 8 है, तो न्यूट्रॉन भी 8 ही है मान लो, तो 8 जोड़ दोगे तो 16। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हुआ, तो 8+8 कितने हो गए, 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है। ठीक है, समझ रहे हो,
तो ये जो एटम के सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, एटम के सेंटर में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, वो चारों तरफ चक्कर लगाता है। अभी मैं एक फ्रेश डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये देखो, मान लो ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, तो इसके जो सेंटर में कौन से पार्टिकल होते हैं, सेंटर में होते हैं प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है धनात्मक, और न्यूट्रॉन जो कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसी से ये ऑक्सीजन एटम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सारे एटम का यही हाल है। सोडियम भी, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये जो है एटम का न्यूक्लियस है, सेंटर वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ओके। और ये जो है ऑर्बिटल एरिया है, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है इनके चारों तरफ। देखो ये प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, इसीलिए ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। गॉट इट, समझ रहे हो। चलो, तो हमने पढ़ा एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट जो सेम एटम से बने होते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं, ओके। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट एटम्स से मिलके भी कुछ मटेरियल्स बनते हैं, डिफरेंट एटम, मान लो जैसे हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है, ये मिलके क्या बनते हैं, हाइड्रोजन H2O बन जाता है, ठीक है, H2O, मतलब हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। अब इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, ये है व्हाट, ये है मॉलिक्यूल, ये क्या है, इसको क्या कहोगे, मॉलिक्यूल कहोगे, ठीक है। ये कंपाउंड है, ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। जब दो अलग अलग एटम मिलके एक मैटर बनाते हैं उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो सोडियम है, ऐसे सोडियम Na+Cl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना देते हैं, NaCl बन जाता है। तो ये तो सोडियम एक अपना एक सिंगल एटम है, क्लोरीन भी अपना एक सिंगल एटम है, लेकिन जब दोनों मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक बोलते हैं। तो इसको आप क्या कहोगे, ये तो एटम है, ये सोडियम एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, लेकिन जब ये मिल गए तो ये जो प्रोडक्ट बना, इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे क्या, दो एटम से मिल के बने हुए हैं, अलग अलग एटम से मिलके बने हुए हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, कंपाउंड, ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड, ठीक है। अब कंपाउंड का सबसे छोटा वाला जो पार्ट होता है, कंपाउंड का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है, क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड और एन एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंपाउंड का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। कंपाउंड आप लोग समझ गए, जब दो अलग अलग एटम से मिलके बने हुए प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड में दो अलग एटम मिलके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें कंपाउंड बोलते हैं। कई बार कंपाउंड सेम एटम से तो बनेंगे नहीं, तो सेम एटम से मिलके अगर जो बनता है उसको क्या बोलोगे, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहे हैं, O2 बनता है, जिसको हम अपने सांस के द्वारा लेते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, O2, जिसको हम अपने सांस के द्वारा लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बताओ इसको क्या कहोगे, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये सेम एटम से मिलके बना हुआ है, तो इसको कहोगे होमो मॉलिक्यूल, इसको क्या कहोगे, होमो मॉलिक्यूल, ठीक है, होमो मॉलिक्यूल, समझ रहे हो। और NaCl है,
NaCl, इसको क्या कहोगे? ये तो कंपाउंड है ही, इसको अगर मॉलिक्यूल के टर्म में कहोगे तो ये हेट्रो मॉलिक्यूल है। क्या है? हेट्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, अलग 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 एटम से मिलकर बना हुआ है, इसे हेट्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है। गॉट इट? चलो और आपको क्या पढ़ना है इसमें? चलो मैटर जो होते हैं, इसका एक और मैं आपको क्वालिटी बता दूं, मैटर जो होते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पहले तो इनका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। और इस एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनते हैं। इस एटम से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। और यही मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो इन मैटर्स में एक इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स में किसी भी मैटर में इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। मान लो ये नमक का या फिर कह लो पानी का, ये एक मैंने सॉल्यूशन ले लिया वाटर, ठीक है, वाटर ले लिया, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ऐसे मिलके वाटर बना हुआ है, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, ये आपको गैप दिख रहे हैं, इस गैप को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर गैप या मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? किसी भी मैटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, उनके बीच में एक सर्टेन गैप होता है, उन गैप्स को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेस याद रहेगा, ठीक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींच के रखते हैं। जैसे कि मान लो वाटर का दो मॉलिक्यूल आप ले लो, ओके, दो मॉलिक्यूल, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और जिस फोर्स से खींचते हैं अपनी तरफ, उस फोर्स को बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, द फोर्स बाय विच द पार्टिक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। दो चीज़ आपने पढ़ा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। किसी भी एटम, किसी भी मैटर में, मैटर किससे बनते हैं? कोई भी मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनते हैं, उसी के मॉलिक्यूल से बनते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स में गैप होता है, ठीक है, और उस गैप को क्या बोला जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है, ठीक है। और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी मैटर का जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये मान लो मॉलिक्यूल है, तो ये एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को क्या बोला जाता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहाँ से बात आती है, यहीं से मैटर का जो होता है स्टेज पता कर सकते हो आप। जिस मैटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे काफ़ी घने होंगे, मतलब बहुत सटे सटे से एकदम, उनमें गैप बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, इसका मतलब वो क्या होंगे? डेंसर मैटर होगा, वो क्या होगा? घना होगा, मतलब वो सॉलिड होगा। क्या होगा? सॉलिड। क्या होगा? सॉलिड। और जिसमें जैसे कि लोहा है, लोहा के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होते हैं? आयरन के मॉलिक्यूल्स एकदम, उनमें बहुत ही कम गैप होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जिसके वजह से आप उनसे आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है, तो वो क्या है? कहीं ना कहीं वो बहुत डेंस है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी डेंसली कंपैक्टेड हैं, इसीलिए वो क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। और वाटर के ले लो, वाटर को ले लो, वो क्या है? उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो लिक्विड है। तो जिस मैटर के मॉलिक्यूल की गैप जो होगी, मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगी, वो कम हार्डर होगा, वो एक तरीके से सॉलिड लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है।
और गैस, गैस तो वाटर से भी ज़्यादा वो होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो उनके बीच का स्पेस तो और भी ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ रहे हो, उनके बीच का स्पेस और भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो देखते हो और भी ज़्यादा फैलते हैं, उनका वॉल्यूम काफ़ी अनचेंज हो रहता है, कभी भी किसी भी वॉल्यूम को वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ रहे हो आप, मॉलिक्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मटेरियल के, किसी भी मैटर के क्या करने के लिए, किसी मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए। गॉट इट, समझ में आया ये, ओके। चलो अब मैटर के जो स्टेज होंगे हम यहीं से जान पाएंगे, जिस मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, जिस मैटर के अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। वो कौन से मैटर होते हैं, सॉलिड मैटर होते हैं, गॉट इट, कौन से मैटर होते हैं, सॉलिड मैटर होते हैं। और चूंकि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे ही ये पार्टिकल तो काफ़ी करीब करीब हैं, तो इनके बीच का फोर्स भी काफ़ी मजबूत लगेगा, दूर रहेंगे तो फोर्स कम लगता है और करीब रहेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगता है। तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। तो देखते हो लिक्विड, अगर कोई सॉलिड स्टेट में मटेरियल है उसको अगर आपको लिक्विड में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करना होगा, ये जो एक दूसरे के को अपनी तरफ खींच के रखते हैं इसको आपको ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू हीट, आपको इसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करना होगा। जब आप हीट करोगे तो इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच का गैप बढ़ेगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो मैटर का दूसरा स्टेज क्या है, लिक्विड, और लिक्विड को अगेन आप गर्म करोगे तो और भी ज़्यादा फैलने लगेगा, क्या होगा, उनके मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल का गैप और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो हम स्टेज समझ गए, मैटर का स्टेज कितना होता है, तीन, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस, सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग ही उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको बताना है व्हाट इज़, पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर स्टेज स्पेस, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर स्पेस, और उसके बाद से आपको बताना है स्टेजेज ऑफ मैटर, व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, कितने स्टेट होते हैं मैटर के ये बताने, ओके। तीन क्वेश्चन आप करके लाना, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।